उज्जैन के सिद्धवट घाट पर हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपने परिजनों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए आते हैं, लेकिन एक अनोखा श्राद्ध और तर्पण यहां पर हुआ जिसमें इंदौर के 152 लोगों की अस्थियां विसर्जित और तर्पण की गई जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उज्जैन इंदौर के कृष्ण गुरुजी द्वारा हर वर्ष अज्ञात मृत लोगों का तर्पण उज्जैन सिद्धवट पर किया जाता है। इस बार इंदौर शहर के शमशानों में रखी हुई 152 से अधिक अज्ञात अस्थियां जिसको लेने कोई नहीं आया, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नटवर सारदा की उपस्थिति में रामबाग से उज्जैन रवाना की गयी। लावारिस लोगों की अस्थियों को कृष्ण गुरुजी ने उज्जैन जाकर सिद्धवट घाट पर विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया गया। मोक्षदायिनी शिप्रा सिद्धवट पर विधिवत क्रिया की ब्रह्मभोज एवं खीर का वितरण हुआ। कृष्ण गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सोच है कि हम सब अपने परिजनों या पारिवारिक लोगों का श्राद्ध तर्पण तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण जरूरी है और ऐसे में यह काम सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। देखिए इंदौर सिद्ध उज्जैन सिद्धवट पर में हमेशा 4 वर्षों से हम आ रहे हैं और अज्ञात लोगों के लिए पितृ तर्पण कर रहे हैं, लेकिन यह सर्वप्रथम अमावस्या का दिन हम अज्ञात और लावारिस लोगों की अस्थियां इंदौर शमशान घाट नगर निगम के सहयोग से हम लेकर आए हैं, जो कि 152 लोगों की अस्थियां हैं। जो लावारिस हैं उनका कोई ले जाने वाला नहीं, उनको हम आकर ये मोक्षदानी शिप्रा में पूजा विधान के साथ हमने इनको समर्पित किया। जी आज सर्वपितृ अमावस्या है जो सारी उन मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाती है, पितृ कर्म यहाँ पर किया जाता है। तो आज हमारे परम पूज्य गुरु जी कृष्णा गुरु जी के सानिध्य में इंदौर से 152 लोगों की अस्थियां अलग अलग शमशान घाट से लाई गई थी, जिनका हमने विधिवत तरीके से पूजन करा करके उनको मोक्ष शिप्रा जी में दिलाया। करीबन गुरुजी हमारे 5 सालों से उन ऐसे ही सारे मृत आत्माओं के लिए तर्पण इत्यादि करते आ रहे हैं। आज 152 से अधिक अनजान मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, उज्जैन।